जिंदगी में अगर कोई नहीं होता है तो किसी की जिंदगी में चंद एक लोग होते हैं, किसी की जिंदगी में हजारों लोग आ जाते हैं, मगर इन महाशय रवि किरण को देखिए, इनकी निगाह में लाखों हैं और फिर भी इनकी तलाश जारी है। खुदा इनकी तलाश पूरी करे, शायद आप भी वैसे ही हो। तो लीजिए सुनते हैं ओपी नैयर के म्यूजिक का जादू, लाखों है निगाह में बाई रवि किरण। Go ahead, Nick.
निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों पे गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन वो बात कहाँ। फोटों पे गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन बात कहाँ। फोटो पे गुलाब है आंखों में शराब है लेकिन बात कहाँ। इस डांस के कोरियोग्राफर है मिस छाया चौरसिया एंड सोनू चंद्रा। तो लीजिए गुजरात का गरबा। Yeah.
चाहने वाला मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। क्या कही है, वाह वाह, पर कहीं आपका इशारा हमारे अगले गाने की तरह तो नहीं है? जी हाँ बिल्कुल। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं राजेश शर्मा विद द सॉन्ग जितने भी तू कर ले सितम फ्रॉम द मूवी सनम तेरी कसम। Oh,
Really, if two great singers come together, they create wonders. And these two singers need no introduction. जी हाँ, आपने अब तक पहचान ही लिया होगा, ये कोई और नहीं, हम सबके चहेते जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था, आ रहे हैं मोना वर्मा एंड प्रशांत पुरुषोत्तम विद द सॉन्ग कुछ मेरे दिल ने कहा. जब साकी ही न हो
तो क्या मजा है पीने का, जब साथी ही न हो तो क्या मजा है जीने का। अगर दिल खुश रहे तो कांटे भी कली लगते हैं, अगर दिल में कोई गम हो तो चांद भी आसमां के दिल पे घाव लगते हैं। मेरे अस्कों से ही समंदर है, मेरे अस्कों से ही समंदर है, कितना गम हाय मेरे अंदर है। दिल की बिना बताएं क्या, जैसे बिना मूर्ति का मंदिर है। ना जाने कब से राहों में चल रहे हम, जाने कैसा मंजिल का मंजर है। जिंदगी यूं ही गंवा दी हमने, फिर भी लोग कहते हैं अरे तू तो मुकद्दर का सिकंदर है। फूल बरसाते कभी आग में जलते देखे, फूल बरसाते कभी आग में जलते देखे, हमने मौसम की तरह लोग बदलते देखे। पांव रखना भी जहां लोग समझते हैं गुनाह, हमने उस घर से फरिश्ते भी निकलते देखे। एक मुफलिस को अखरी गरीबी अपनी, जब खिलौनों के लिए बच्चे मचलते देखे। दुश्मन से भी ना कर पाए नफरत अर्पित, जब शहर के शहर हमने इस आग में जलते देखे। अब कुछ अपने देश की बात की जाए, क्योंकि जब हमें लोग अपने देश की बात नहीं करेंगे तो देश के रखवाले क्या करेंगे। वतन बेच देंगे जतन बेच देंगे, वतन बेच देंगे जतन बेच देंगे, कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बोले है देश के हम चमड़ों का है सहारा, एमपी अनेक अपने है छापते अंगूठा, पार्लियामेंट में नींद लेकर देते अजब नजारा। चालाक और चाई शासन चला रहे हैं, गिदड़ सियार केवल दोहरा रहे हैं नारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। थी दूध घी की नदियां बहती कभी यहां पर, अपशुद्ध जल भी हमसे कर गया किनारा। थे स्वप्न जो साकार हो ना पाए, दुनिया से कर्ज लेकर हम कर रहे गुजारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। कहता है कौन भारत आजाद हो गया है, अब भी चमक रहा है अंग्रेजियत का तारा। मंत्री वही बनेगा इंग्लिश में दक्ष हो जो, भारत की राष्ट्रभाषा का अस्त है सितारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। अयोध्या मंदिर के ऊपर है सर। पहले तो धर्म स्थलों पे होती थी बस इबादत, अब असलहे भरते हैं फटता है बम करारा। मजहब सिखा रहा है आपस में बैर रखना, हर सिंध छूटता है नफरत भरा सरारा। अगड़ा कहीं खड़ा है पिछड़ा कहीं अड़ा है, जंगल की जिंदगी में किसे किसे सहारा। यह देश एक चमन था मैना थी बुलबुलें थी, अब तो जगह जगह पर गिद्धों का है नजारा। पहले बड़े शहर के कोठों पे महफिलें थी, घर घर में है अब मूजरा टीवी का पास सहारा। हाँ एक दुष्ट रावण सीता को ले गया था, अब तो जगह जगह पर अपहरण का है नजारा। सारे यहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तब त्याग से अलंकृत थे जयप्रकाश गांधी, अब तो कफन घसीटू नेता का है सहारा। दूते हैं लोग बकरी कुछ गाय और भैंसे, जनता को दूह के नेता अब कर रहे गुजारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। सरकार कष्ट सहकर सब कुछ चला रही है, नित लॉटरी से हमको जुआ सिखा रही है, अध्यादेश खत्म करके नकल करा रही है। उठता नहीं है मस्तक अब एहसान से हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हिंदोस्तान में अब तो हर जात के हैं नेता, कुछ दिन के हैं नेता कुछ रात के हैं नेता, कुछ लात के हैं नेता कुछ बात के हैं नेता। हिंदोस्तान में अब तो हर ख्यालात के हैं नेता, चंदे से है नित इनका होता है गुजारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। थैंक यू वेरी मच। दिखने हुए इंसान की तस्वीर रखने जा रहे हैं, जिसका नाम है गजनफर खान। गजनफर खान कश्मीर की इन पाक हसी वादियों के लिए कुछ साल पहले तक ये नाम एक दहशत था। लोग गजनफर के नाम से कांपते थे, थर्राते थे। पुलिस की फहरिस्त में उसका नाम सबसे ऊपर था। वो गजनफर पुलिस की फहरिस्त में उसका नाम सबसे ऊपर था। तो लेकिन
गजनपुर चाहता था। वो एक आतंकवादी था पर खुद को एक वतन परस्त कहता था। वतन से उसका तारुफ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ कश्मीर से था। वो उसकी मंजिल थी आजाद कश्मीर, लेकिन क्या वो उसकी असल मंजिल है? देखते हैं दास्तान है दहशतगर्द। तो पहला सीन है हिंदुस्तान का आर्मी आर्मी कैंप जिसमें गजनफर खान कैद है। क्या हुआ बेटे, इतने में थके? पता नहीं यार, ये हुआ भगा भगा के क्या बनाना चाहता है। लगता है अभी बड़ा बनाकर ही मानेगा। गुरु घोड़े बने न बने मगर पित पित के गधे जरूर बन जाएंगे। हाँ सुना यार, कल वो साड़ी ना तेरे को पिट्ठ पर लेट कराई। क्या बताऊ यार, कल बड़ेगा जाने में थोड़ी देर क्या हो गई। किशोर मेजर ने वो हल किया कि अब बड़ेगा जाने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। सही कहते हैं यार, मेजर है बड़ा स्ट्रिक्ट। मिशन में हमने अपने 4 जाबाज को खोकर गजनफर उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। उसी को छोड़ने के लिए हमारे लिए आदेश आया है। क्या समझते हैं ये मिनिस्टर खुद को? क्या इनकी स्याही में हमारे खून से ज्यादा है? क्या कागज और टुकड़े पर लिखे हुए चंद अल्फाज के सामने हमारे खून का कोई मोल नहीं? और आज हमारे देश में जो आतंकवाद बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण ये हुक्मनामे अपाहिज कर दिया है इन्होंने हमें। पर न राहत सबको न आराम सवेरे, कलालत में घर जंगलों में बसेरे। ये मखलूक मजलूम घर सर उठाए तो दुनिया अपनी सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना ले, ये दुश्मनों की हड्डियां तक चबा ले। बट फादर लॉर्डर हम भी नॉट सिविलियंस तो ये बहुत गलत को बुलाओ। जिस आतंकवादी को पकड़ने के लिए हमने अपने इतने जवान खोए आज हमसे छोड़ रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक अनपढ़ मंत्री को छुपाने के लिए जो देश भर में अपनी वतन परस्त की गाथा गाता फिरता है। जब उसको पकड़ने के लिए हम अपने दिल जवान कुर्बान कर सकते हैं तो क्या हमारा देश एक मंत्री कुर्बान नहीं दे सकता? गजन पर अपने रिहाई को अपनी चीज को समझ रहा। मेजर, मैंने कभी किसी छिप के मुंह को धड़ जाना होगा देखा है? मैंने तो बहुत तरक्की है। मैं थोड़ी देर में सब शांत इसी तरह तुम्हारे राह पर तुम्हारी वतन परस्ती को तुम्हारी पर्ची से काट के फेंक दिया है हमने। तुम तड़पोगे मेजर, तड़प तड़प के मरोगे। वतन पर वतन परस्त किसी फौजी की वर्दी में नहीं उसके शरीर में दौड़ते हुए लहू में होती है। और जब तक हमारे शरीर में ये लहू दौड़ रहा है तब तक हमारी वतन परस्ती को कोई जुदा नहीं कर सकता। ले जाओ उसे और सड़क के बाहर फेंको। बॉयज दैट्स ऑल फॉर यू टू वॉक अवे बैक टू द कैंप्स। डिस्पर्स क्यूस वतन परस्त मेजर को राजनीतिक दबाव में आकर गजनफर को छोड़ना ही पड़ा। और वहां सरहद पार उसकी अंधी राह के साथी उसकी रिहाई से खुश उसके आने की तैयारी में नए मंसूबे बना रहे थे। और वो मंसूबे क्या? मासूमों का कत्लेआम। कश्मीर हमारी आन है, कश्मीर हमारी शान है, कश्मीर हमारी जान है और हम उस पर कुर्बान है। हिम्मत है मर्दा, बादल है खुदा। भाइयों, आज भारत सरकार के जनफर खान को रिहा करने वाली है।
हमने उन्हें मजबूर कर दिया घुटने टेकने के लिए। एक बार फिर हमारी ताकत गजनपुर खान हमें वापस मिल गई है। हमारा गजनपुर बारूद का वो ढेर है जिसके शोलों में चलकर यह दिल्ली सरकार राख हो जाएगी और वही होगी हमारी जीत और कश्मीर की आजादी। हमें चाहिए आजादी। खुदा खुदा ही छोड़ सकता है पर हम अपनी अवामी आजादी की जंग हरगिज नहीं छोड़ सकते। अब ज्यादा दिन दूर नहीं, भारत तेरी बर्बादी के, कश्मीर के, आजादी के। अल्लाह के फजल और दोनों के बड़क पर दो होते आज एक बार फिर हम जादू बदल के लिए एकजुट हुए हैं। आज तो यह मुमकिन हो गया लेकिन याद रहे वक्त के कदमों की आहट कोई नहीं जान सकता। इसलिए खबरदार मेरी शहादत के बाद भी हमारी जिहादी लड़ाई में धराम न आने पाए। गजनपुर अव्वल तो हम ऐसा होने नहीं देंगे और खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो हमने यहाँ की आने वाली नस्लों में इतना बारूद भर रखा है कि यहाँ का हर नौजवान गजनपुर की परछाई बन चुका है और एक गजनपुर की जगह हजारों गजनपुर तैयार खड़े हैं। और रशीद पे खास खबर। और गजनपुर भाई हुकूमत यहाँ इलेक्शन करवा रही है और उसके लिए उसने मुस्लिम लीग और कई सियासी गुटों को तैयार भी कर लिया है। इस सरजमीन पे हमारे इलेक्शन होंगे तो सिर्फ आजाद कश्मीर में। यहाँ का आजादी का सिलसिला हमी से इब्तदा है और हम इसे इंतहा करेंगे। याद रहे अगर यहाँ इलेक्शन हो गए तो हमारे पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ी और मजबूत हो जाएंगी। इसलिए खबरदार जब तक लाल किले की दीवार पे ये अल्फाज कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है गूंजती रहेगी तब तक यहाँ की वादियों में हमारी बंदूकें यूं ही गोले उगलती रहेंगी। अब हमारी जिहादी लड़ाई का अगला मुकाम होगा चरारे शरीफ के सामने कतलेआम और ये कतलेआम आतंक और शोक का ऐसा माहौल पैदा करेगा कि दुनिया की नजरों में कश्मीर धधक उठेगा। इब्तदा है रवि जलाल के उस बाबरक का नाम से जो हमें हमारे मकसद में पीछे हटने नहीं देगा। हमारा मतलब है आजादी से, सिर्फ आजादी से। ऐ काफिरो, ऐ जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वी वांट विक्ट्री, वी वांट। अल्लाहु अकबर। खुशहाली नहीं देता, बहता हुआ खून सिर्फ माओ की गोद जाड़ता, बहता हुआ खून औरतों को बेवा करता है। अरे तुम किस कश्मीर की बात कर रहे हो गजनपुर, किस कश्मीर की? तुमने क्या देखा कश्मीर? कश्मीर हमने देखा है, हमने। अरे वो पाक जगह है जिसके लिए किसी ने कहा था गर फिरदौस पर रोए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। दोलक बना दिया है तुमने, से दोलक तुमने और तुम्हारी इस भटकी हुई राह के साथियों ने दोलक बना दिया है। अब भी मौका है गजनपुर, अब भी मौका है। छोड़ दो ये नापाक रहा, हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, हिंदुस्तान से। ये झुके हुए सर शर्मिंदगी नहीं बल्कि पश्चाताप दिखाते हैं। इनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि उन मासूमों का खून है जो इन्होंने बेवजह बहाया। अगर इनकी तरह हर भटकी हुई राह का इंसान इनकी तरह पश्चाताप के आंसू रोए, खून के आंसू रोए, तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान को फिर से हम सोने की चिड़िया कह सकेंगे और हम फिर से ये कह सकेंगे हम अपने सरों की चढ़ा जाएंगे।
अब्दुल रहमान और मेजर फैसल खान साहब सब लोगों का इस्तकबाल करते हैं। और सुनाओ बेनजीर, आपके क्या हाल है? क्या सोचा तुम दोनों, इधर से बच जाएगा मोटे? और नहीं तो क्या, ये तो बेनजीर की प्यार जो हमको क्या खींच ला रहे पगले। तुम बताओ बेनजीर, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं बता दो, मैं बता दो। क्या बंटा, इनको बताएगा हम यहाँ फोटो खींचने आए थे? तो भैया मैं क्या बता रहा हूँ, हम सीक्रेट मशीन में आए थे। अरे हम पाकिस्तान पिकनिक मनाने से आए थे भैया। मोटे तेरे पेट से वो नेगेटिव निकाल। भैया वो नेगेटिव तो मैंने दुल्ले डाल दिया, तुमको ये काफी होना क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है सांता, जब हम दोनों हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे ना, वहां से एक एक कॉपी भेज देगी। क्यों क्यों, मैं कुछ समझ के रखा है क्या हमको? निकालते हो नेगेटिव या दिखाओ तुम लोगों को जन्नत का रास्ता। रास्ता मत दिखाई है, भटक गया तो बात चलने को चलिए। क्या अल्लाह, ये पागल फिर बाहर आ गया, एक सरदार को संभाल नहीं सकता और दो मोटे सरदार आ गया। ले संभाल, ये है जलिया वाले भाई, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेलिया, खून की होलिया, एक तरफ बंदूक के बर्तन एक तरफ की गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब। जानते हो ये सरदार कौन है? ये वही पागल झंडा सिंह है, इसने भी हमसे वही राज बुलवाने की कोशिश की थी जो तुम लोग चाहते हो। देखो आज इसकी क्या हालत है, ये पागल हो चुका है। ए, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। भैया कवालो, तुम
सुना है? जी सुना है। मैं तो क्या लगा रखा है, ये नुसरत फतेह लिखा कुछ पास तुम बुला पापा जी बिल्कुल बैठे। पीछे से बंदूक लेके आता हूँ, उसके बाद आजादी। आजादी दिल की, यू मीन फ्रीडम टू बी। ए चका।